तो गाइस ये है डक्टेबल डाइकिन का 2 टन का आउटडोर, यहाँ पर देख सकते हैं। और अभी इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसमें जो है कूलिंग बहुत कम आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये चिलनेस तो हो रहा है लेकिन इसके अंदर जो है किसी तरह का कोई कूलिंग जो है नहीं आ रहा है, ठीक है। और अंदर की साइड में आइस बन रहा है। तो चलिए हम बताते हैं, पहले गेज लगाएंगे इसके अंदर और प्रेशर वगैरह आपको दिखाते हैं कि कितना आ रहा है। तो गेज लगाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर जो सेक्शन लाइन है यहाँ पर इसको खोलना होगा। तो इसको हम खोल लेंगे। तो जब आप ऐसी जगह पर काम करते हैं जहाँ पर बहुत रिक्स होता है, देख सकते हैं तो ये कितना हाइट है आप देख सकते हैं। और ऐसे जगह पर जो है कोई भी सामान नीचे गिरता है तो जो है नीचे ज़्यादातर जो है गाड़ी के ऊपर ही सामान गिरता है, तो इसको आपको ध्यान में देकर काम करना है। तो चलिए पहले मैं इस गेज को लगा लेता हूँ। तो अगर आप नए हैं तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है जो हमारा पिन वाला होता है, ये देखिए चार्जिंग लाइन में जो पिन वाला होता है वो हमारा एसी के सेक्शन में लगेगा यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर। तो वीडियो में बने रहें, आपको पूरी जानकारी दूंगा कि गैस लीक होता है तो प्रेशर कितना होता है और गैस बराबर रहने पर प्रेशर कितना होता है और इसको टॉप अप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, पूरा बताने वाला हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं इसके अंदर जो भी गैस है, जो हमारा रनिंग प्रेशर है वो करीब ये मान के चलिए कि 0 के आसपास है, क्योंकि हम इसको 5 या 10 भी नहीं बता सकते हैं। तो अब ऐसे में जो है हम टॉप अप करेंगे अगर, तो हमारा जो गैस है वो 1 हफ्ता या 10 दिन ही चलने वाला है, उससे ज़्यादा ये नहीं चलेगा। लेकिन अभी कस्टमर को जो है बहुत अर्जेंट है, क्योंकि कुछ मेहमान जो है उनके गेस्ट आने वाले हैं, तो अभी उन्होंने क्या बोला है, जो भी गैस का चार्ज है, जो भी गैस का पैसा है वो दे देंगे। तो उसके बाद फिर जब उनको उनके गेस्ट जो है चले जाएंगे, उसके बाद जो है इसको लीकेज को क्लियर करके फिर हम गैस डालेंगे इसके अंदर। तो चलिए अब इसके अंदर हम गैस को टॉप अप करेंगे, तो किस तरह से करना है चलिए बताता हूँ। तो ये अभी यूनिट जो है आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए जो इसका रेफ्रिजरेंट है, यहाँ पर देख सकते हैं R22 है, ठीक है। तो R22 का जो हमारा रनिंग प्रेशर है वो करीब 60 के आसपास आता है, और कई मशीनों में जो है 60, 65, 60 और 70 के आसपास। तो अभी बाटले में मैंने कनेक्ट कर लिया है, अब चलिए गेज को खोलते हैं। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा हमारा जो आवाज़ है कंप्रेसर का वो थोड़ा थोड़ा साइलेंट हो जाएगा। तो हमें इसके अंदर जो है 60 तक करना है। तो अभी जो है 10 से 12 के आसपास आया हुआ है, चलिए और खोलते हैं इसको। कई बार जो है लीकेज बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिलता है, और कई बार जो है बहुत आसानी से लीकेज मिल जाता है। तो ये 22 नंबर का है, तो इसको हम जो है बिल्कुल आसानी से जो है टॉप अप कर सकते हैं किसी रिक्स के बगैर। और अगर हमारा R32 होता तो हमें रिक्स होता था। तो अभी इसके अंदर जो है लगभग 50 के आसपास बैक प्रेशर आ चुका है, यहाँ देख सकते हैं। तो हमें 10% और इसके अंदर डालना है, और उसके बाद हमारा जो है टॉप अप बिल्कुल फाइनल हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमें जो है
हवा चल रहा है तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो फाइनली अब हमारा जो है टोटो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसको निकालेंगे और बंद करेंगे। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इस तरह से हम गैस को टॉपअप कर सकते हैं। और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।